हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर स्कूल। दिस इज सलोनी मलिक। सो आज हम लोग आ गए हैं ये सीखने के लिए कि स्प्रिंगर फाइंडर क्या है। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना रिसर्च पेपर मैक्सिमम स्प्रिंगर में पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टेक्निक है। सो इतने सारे जर्नल्स की लिस्ट निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंगर फाइंडर, स्प्रिंगर ने क्या किया हुआ है, अपने सारे जर्नल्स की स्प्रिंगर फाइंडर बना रखा है। स्प्रिंगर फाइंडर में जब आप जाते हैं तो आपको स्प्रिंगर के रिलेटेड जितने भी जर्नल्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। स्प्रिंगर जर्नल सजेस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंगर जर्नल सजेस्टर, ये मेन वेबसाइट है स्प्रिंगर की, जहां पे आपको स्प्रिंगर के हर जर्नल्स मिल जाएंगे। लगभग इसमें 2500 के आसपास जर्नल्स हैं। यहाँ पर कैसे आप जो अपने अकॉर्डिंग सब, अब ये रिलेवेंट है कि जर्नल तो हमें बहुत मिल जाएंगे पर हमारे रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप मैन्युस्क्रिप्ट पे अपना टाइटल टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप कर दिया है योगा एंड सीओपीडी। मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट टाइप करेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट एरिया में जो आपका एरिया है, जैसे कि अगर मैं चूज करूंगी अपना एरिया तो मैं मेडिसिन एंड हेल्थ चूज करूंगी, एंड देन सजेस्ट जर्नल। सो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जितने भी रेस्ट, रेस्पिरेटरी रिसर्च, बीएमसी पल्मोनरी मेडिसिन, एडवांस इन थेरेपीज, लंग पल्मोनरी थेरेपी एंड एग्जांपल, सो एंड सो एंड सो ऑन, ये सारे के सारे स्प्रिंगर के जर्नल्स आ चुके हैं जो मेरे इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है और पब्लिश कर सकते हैं। अब ये तो ठीक है, मुझे पता चल गया इतने सारे हैं, लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये ओपन एक्सेस है या नहीं, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये कितने दिन लेता है पहला डिसीजन लेने में कि आपका पेपर पब्लिश होगा या नहीं, एक्सेप्टेंस रेट क्या है एंड ऑल एंड ऑल, तो ये सारा का सारा यहीं पर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। OA means open access है, freely open access है, मतलब ये freely आपका paper available कराएगा। Impact factor 5.631 है, 36 days लेता है पहले decision लेने में average, और 25% इसका acceptance rate। ऐसे करके जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस जर्नल के बारे में और जितनी भी जानकारी आपको ले सकते हैं। पब्लिशिंग चार्ज जैसे कि आप देख सकते हैं इसका $2,990 है। कुछ लोग फ्री भी होते हैं, कुछ लोग चार्ज करते हैं, लेकिन ओपन एक्सेस है यानी कि फ्रीली अवेलेबल कराएगा। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि ये पबमेड है या नहीं, गूगल स्कॉलर है या नहीं, यूजीसी लिस्ट है या नहीं, ये तो इसमें यूजीसी केयर लिस्ट भी है ये जर्नल। सो दिस इज द लिस्ट कि आप लोग अगर स्प्रिंगर में अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका। अगर मैं फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए काम की है, या फिर ये आपको समझ आया, या थोड़ा सा भी अगर ये यूज आया, तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।